केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री ने किसानों, व्यापारियों, युवाओं, महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। एक तरफ जहां सरकार के मंत्री इस बजट की जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं विपक्ष ने बजट को निराशाजनक बताया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय बजट पर कहा, ये एक निराशाजनक बजट है। मुझे आम लोगों के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिला। आम लोगों की आय में सुधार के लिए उठाए गए किसी भी कदम का उल्लेख नहीं है। I'm afraid it's an underwhelming budget. The government has simply not addressed a number of key issues. Manrega wasn't even mentioned. Health and education, no indication of any increase in the share of GDP allocated to these vital subjects. Nothing in the announcements about how to actually do anything about the income inequality in this country. More than 60% of our people have seen their incomes dropping in the last 10 years. What are they doing about that? Very little. I would say there's been very, very little to cheer about, and no wonder even the share markets, I gather, have reacted badly, as have ordinary people, except those in Bihar and Andhra Pradesh, perhaps, where the government, for their own political reasons. Samajwadi Party Pramukh Akhilesh Yadav ne Kendriya Budget par kaha, agar hum UP ko dekhe, to nivesh ki sthiti kya hai? इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो कभी समय पर पूरे नहीं हुए। अच्छी बात यह है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को प्रधानमंत्री देते हैं, क्या वहां के किसानों के लिए बजट में कुछ है? बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि बजट में बिहार के लिए केवल झुंझुना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनता को ठगने का काम करती है। नीतीश कुमार की मांगे पूरी नहीं हुई, उन्हें एनडीए का साथ छोड़ देना चाहिए। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बजट 2024 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, बजट को प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कहा जाना चाहिए, महाराष्ट्र के लिए कुछ भी नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा, 5 साल तक अपनी सरकार बचाने की कोशिश में उन्होंने बिहार और आंध्र प्रदेश में अपने गठबंधन सहयोगियों को पैकेज दिया है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। महाराष्ट्र में उनके 2 गठबंधन सहयोगी हैं। महाराष्ट्र सबसे बड़ा करदाता राज्य है, लेकिन इसे केंद्र से कभी भी धन नहीं मिला। क्या हमें बुनियादी ढांचे की जरूरत नहीं है? Budget should be called Pradhan Mantri Sarkar Bachao Yojana, because we have realized that this government, if it has to be saved for the next 5 years, they would need their alliance partners, and these alliance partners need to get happy. 2 states that have been focused off is Andhra Pradesh and Bihar. After denying Bihar a special status, after denying Andhra Pradesh a special status, they've given funds. What is unfortunate, however, is that Maharashtra continues to be ignored by the same. Maharashtra has become a state where you keep sucking in money from. A cash-rich state where you keep taking money from, but do not give in money. फिलहाल मोदी के 3.0 के इस बजट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।